हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज सुबह उन्होंने आपको लेकर क्या सोचा, आज उनके मॉर्निंग के थॉट्स क्या थे, उनके मॉर्निंग थॉट्स, उनके मॉर्निंग इमोशंस, फीलिंग्स। ओके, तो आज सुबह वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, आज सुबह उनकी एनर्जी क्या थी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं, सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। ओके व्यूअर्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूं, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास ना करें। आइए चलिए व्यूअर्स, देखते हैं यहाँ पे आप सुबह भय आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे। स्टे पॉजिटिव। ओके, स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। वी हैव द फर्स्ट कार्ड, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट द टेम्परेंस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। I need one card. Edward. Okay. The strength card and the last card. Queen of Cups. Interesting. मैं इन्हें अरेंज करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके व्यूअर्स, तो आई होप ये कार्ड्स आपको विजिबल हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज सुबह उन्होंने आपको लेकर कैसा सोचा है, कैसा महसूस किया है। देखिए, पहली चीज मुझे यहाँ पर जो नजर आ रही है वो ये है व्यूअर्स, कि समवेयर यहाँ पर किसी को हीलिंग की जरूरत है, या फिर किसी की हीलिंग हो रही है। मुझे ऐसा लगता है यहां पर, मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स, आपके जो पर्सन हैं वो सुबह सुबह कुछ ऐसा सोच रहे थे कि जैसे अगर सब कुछ ठीक हो गया है, या आप लोगों के बीच इक्वेशन ठीक है, या आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक है, तो क्यों ना वो आपके लिए एक ऑफर लेकर जाएं, या आपसे बात करने की, या आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ सोच रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मन ही मन ऐसा लग रहा है, पता नहीं आपका गुस्सा शांत हुआ है या नहीं, पता नहीं आप थोड़े पीसफुल या थोड़े काम हुए हो या नहीं, क्योंकि हो सकता है व्यूअर्स, किसी वजह से, किसी कारणवश आपको नाराजगी थी कोई, या आपको कोई गुस्सा था, आप उनसे नाराज थे, गुस्से में थे, या हो सकता है कि आपने उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके पर्सन को फिर भी पता चल गया कि आपको बुरा लगा है, आप नाराज हो या आप गुस्सा हो, तो किसी वजह से तो आप हर्ट थे, और उसी वजह से शायद आप नाराज हो सकते हैं। तो जस्ट टू चेक, देखने के लिए कि क्या आप अभी भी गुस्सा हो या सब कुछ ठीक हो गया है, अब आप पीसफुल, काम या नॉर्मल हो गए हो, या फिर अभी भी उतने ही गुस्से में हो, अभी भी उतने ही हर्ट हो। तो कहीं ना कहीं ये चेक करने के लिए उन्होंने आज सुबह सोचा कि वो आपको अप्रोच करें। मैं ये नहीं कह रही कि आज सुबह ही उन्होंने आपको अप्रोच किया या कॉल किया, मैसेज किया। वेल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है किया, लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि सबके लिए। ओके,
मैं ये कह सकती हूं कि हाँ, उन्होंने आज सुबह ऐसा सोचा है, ऐसा महसूस किया है कि अब उन्हें चेक करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, पता करना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है आपकी तरफ या स्टिल यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं। तो इसीलिए वो एक लाइट, नॉर्मल, बेसिक, सिंपल, जनरल ऑफर आपको दे सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट, ओके, यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ ऑफर फ्रॉम देम, क्योंकि ये तो सिर्फ देखने के लिए है कि व्हाट इज गोइंग ऑन योर साइड, ओके, व्हाट इज हैपनिंग ऑन योर साइड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, ओके, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आर यू ओके नाउ और यू स्टिल हैव सम इश्यूज। तो उनको ये पता करना है, और वो पता कैसे करेंगे, सिर्फ एक जनरल नॉर्मल कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करके, ओके, एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करके, या फिर एक बहुत सिंपल लाइट और बेसिक बात करके, लाइक हाउ यू, और यू नो, हाई, हेलो, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से आपको अप्रोच करना जो बहुत इंटेंस और बहुत सीरियस ना हो, बट एट द सेम टाइम उन्हें पता चल जाए आपके रिस्पॉन्स या आपके रिप्लाई से कि अब इनका गुस्सा चला गया है, नाउ दे आर ओके अगैन, दे आर ओके, दे आर फाइन, ओके, अब ये नाराज नहीं है, इट्स ऑल कूल। तो ये चेक करने के लिए, तो मुझे लगता है इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा विचार इनके मन में आया है इसीलिए। लेकिन ये व्यूअर्स एनर्जी है, ये फ्लक्चुएट करती है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अगर कोई और सिचुएशन अराइज हो गई, कोई और ऐसी कोई और परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो हो सकता है ये एनर्जी, ये थॉट प्रोसेस चेंज भी हो जाए। तो इसीलिए उनके मन में ऐसा विचार जरूर आया है आज सुबह कि उन्हें चेक करना चाहिए। क्या आप सच में नाराज हैं किसी बात से, किसी बात से गुस्सा है आप? एम आई राइट? यहाँ पर ये जो रीडिंग चल रही है, क्या सही ट्रैक पर चल रही है? ओके व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि अभी अगर लाइट ऑफर लेकर आएंगे तो सिर्फ वो आपको लाइट ऑफर ही देना चाहते हैं। नो, दे हैव द इंटेंशन टू फिक्स एवरीथिंग। उनका इंटेंशन तो यही है कि व्यूअर्स, अगर आप हर्ट हुए थे या आप गुस्सा हुए थे तो आप मान जाएं, यानी कि आप कन्विंस हो जाएं, आप मान जाएं, वापस से यू नो, आप कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाएं उनके साथ, जो भी आप लोगों के बीच इश्यूज हुए हैं उन सबको भूल कर ये रिश्ता हील हो जाए, रिकवर हो जाए। उनका इंटेंशन तो यही है कि सब कुछ फिक्स हो जाए। ओके, फिक्स का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक जैसा हो जाए। फिक्स का मतलब ये है कि अगर कुछ अगर डैमेज हुआ है तो दे वांट टू फिक्स इट। तो ये उनका इंटेंशन है, वो हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को रिकवर करना चाहते हैं, अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं तो। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो लाइट ऑफर इनकी तरफ से आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन, सिंपल बेसिक कम्युनिकेशन, तो ऐसा नहीं है कि वो उनका इंटेंशन है। रियलिटी में वो आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, ओके, क्योंकि वो अपनी गलती सुधारने की इच्छा रखते हैं या रखती हैं, या कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं, ओके, कुछ इंटेंस या सीरियस आपको कन्फेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ कुछ स्टेबल ऑफर लेकर आना चाहते हैं। लेकिन इट विल टेक टाइम, बिकॉज आई कैन सी द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस कार्ड शोज मी कि ये सीरियस ऑफर और ये कन्फेशन या फिर ये प्रपोजल आने के लिए टाइम लग सकता है। yeah. पर यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जिससे पता लगता है कि इनके इमोशंस जो हैं वो सच में रियल हैं, जेन्युइन है आपके लिए, ट्रू है। इनके इमोशंस फेक नहीं है, टाइम पास नहीं है, कैजुअल नहीं है। दे फील द रियल ट्रू लव फॉर यू, दे फील द प्योर लव फॉर यू। तो ऐसा लगता है कि इनके इंटेंशंस, इमोशंस और जो भी फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत जेन्युइन है, वो बहुत ट्रू है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ कोई चालाकी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, आपको ट्रिक करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। नो, देर इज नथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट बस बात यहाँ पर यही है कि वो, मैं कहूंगी अभी कि इतना स्ट्रांग पोजिशन में नहीं है अभी, या इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, या मैं कह सकती हूँ स्ट्रेंथ या करेज नहीं है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपना मन तो बना लिया है, अपना इंटेंशन तो सेट कर लिया है कि हाँ उन्हें ये चाहिए, आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना है,
लेकिन अभी पूरी तरह से सिचुएशन उनका साथ शायद नहीं दे रही है, या उनके अंदर ही अभी वो करे जो स्ट्रेंथ वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रेंथ की, बहुत करेज की जरूरत है, और वो करेज जरूर आएगा। वो स्ट्रेंथ जिसकी भी कमी है यहाँ पे, वो जो स्ट्रेंथ या करेज जिसकी कमी है वो जरूर आएगा। एंड दे विल कम टू यू इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिस कार्ड शोज कि ये ऑफर थोड़ा स्लो हो सकता है। ओके, इट विल टेक सम टाइम, बट ये ऑफर बहुत जेन्युइन होगा, ये कन्फेशन बहुत ट्रू होगा, बहुत रियल होगा। ओके, तो आज सुबह तो वो यही सोच रहे थे कि वो ये कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, और उनको आपसे बात करके चेक करना चाहिए कि आप मान गए हैं या अभी भी गुस्से में हैं, क्योंकि वो आपको मनाना भी चाहते हैं या मनाना चाहती हैं। ओके व्यूअर्स, और वो ऐसा भी इंटेंशन रखते हैं कि फ्यूचर में आपको कुछ स्टेबल ऑफर करेंगी, क्योंकि उनके मन में बहुत सारा प्यार है आपके लिए। आई कैन सी दैट, बट फॉर दैट यहाँ पर स्ट्रेंथ की जरूरत है, करेज की जरूरत है, विच इज दे आर लैकिंग नाउ। ओके, या दे आर लैकिंग इन इट, या ओके। तो यहाँ पर मुझे अर्थ साइन नजर आता है, वाटर साइन भी नजर आता है, अर्थ साइन वाटर साइन। तो हो सकता है या तो आप हैं अर्थ साइन, आपके पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन, हो सकता है यहाँ पर कोई। ओके, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है फायर भी हो सकता है कोई। ओके, यस। अच्छा व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा इंटेंस इनके इमोशंस हैं, उतने ही ज्यादा वो इमोशंस लाइक डीप डाउन छुपे हुए हैं। ऐसा लगता है अंडर द वॉटर है, या अंडर द कार्पेट, मतलब बहुत बहुत होशियारी से छुपा के रखे हैं अपने इमोशंस। जितने भी इंटेंस फीलिंग्स हैं इनकी, जितने भी इंटेंस इमोशंस हैं इनके, इन्होंने छुपा के रखे हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ मैसेज और अ कॉल, बट अगर आप कुछ बहुत सीरियस अभी सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। ओके, इतनी जल्दी नहीं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर और कार्ड्स लेती हूँ टू क्लियर योर सिचुएशन व्यूअर्स, जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखते हैं, देखते हैं और कैसा महसूस किया है उन्होंने आज सुबह आपको लेकर। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अंदर से कुछ डर भी है इनको। जब भी मैंने कहा था कि स्ट्रेंथ की और कॉन्फिडेंस की कमी है, अंदर से कुछ डर भी है इनको। मैंने कहा ना कि ऊपर ऊपर से ये जैसा भी प्रिटेंड करते हैं, शो करते हैं, ठीक है, जो भी दिखाते हैं, जैसा भी अपनी इमेज क्रिएट करते हैं आपके सामने, जैसा भी प्रिटेंड करते हैं या करती हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि इनके जो इंटेंस इमोशंस हैं वो अंडर द वॉटर हैं, अंडर द कार्पेट हैं, बहुत हिडन हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ऊपर से सच में कुछ और दिखा रहे हैं ये, कुछ और पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और शो करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, बट डीप डाउन दे हैव इंटेंस इमोशंस एंड फीलिंग्स फॉर यू, या विच दे कैन नॉट डिनाई। ओके, ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज द कार्ड हियर। मुझे लगता है व्यूअर्स इनका मन जो है अभी वो इधर उधर बहुत हो रहा है, बिकॉज एज यू कैन सी हियर वी हैव द कार्ड ऑफ मंकी, एंड दिस शोज की बहुत उछलना कूदना, यानी कि मन का बार बार चंचल होना, यानी कि चंचल मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी ऐसे विचार आते हैं, कभी वैसे विचार आते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जी, बहुत ज्यादा स्टेबल थॉट प्रोसेस अभी नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये तो सिर्फ विचार है, विचार कह रही थी ये तो सिर्फ विचार है। अगर सिचुएशन चेंज होती है, परिस्थिति बदलती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस भी चेंज होंगे, थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा। तो अभी ना बहुत सोच रहे हैं और बहुत सारे आइडियाज इनको आते हैं, बहुत सारे थॉट्स इनको आते हैं, तो बस मन इनका यहाँ वहाँ कई जगह जा रहा है। बहुत विचलित कह सकते हैं मन को, या बहुत चंचल कह सकते हैं, लेकिन ऐसी ही इनकी स्टेट ऑफ माइंड है फिलहाल, या हम कहें आज सुबह, क्योंकि रीडिंग स्पेसिफिकली हम सुबह के लिए कर रहे हैं। ओके, चलिए। ओके, काफी सारे कार्ड्स यहाँ पॉप आउट हुए हैं, एक्चुअली तीन कार्ड्स हैं, हम तीनों को
कंसिडर नहीं करेंगे. वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम. ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, समवेयर इनका जो अट्रैक्शन है आपके प्रति, वो इसीलिए भी है क्योंकि आप अंदर से भी स्ट्रांग हैं, आप बाहर से भी स्ट्रांग हैं. व्यूअर्स, आप कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, कुछ शो नहीं कर रहे हैं, कुछ दिखाने की कोशिश करना या कोई किसी तरह की इमेज क्रिएट करने की कोशिश करना, ये सब आप नहीं कर रहे हैं. जितने स्ट्रांग आप इंटरनली हैं, उतने ही स्ट्रांग आप एक्सटर्नली, यानी कि उतने ही स्ट्रांग आप दिखते हैं जितने आप हैं. ऐसा नहीं है कि दिख रहे हैं स्ट्रांग लेकिन अंदर से वीक हैं, या ऐसा नहीं है कि अंदर से बहुत स्ट्रांग है लेकिन दिखने में वीक लगते हैं. यू आर सेम इन एंड आउट, लाइक आप एक जैसे ही दिख रहे हैं. और आपकी ये बात उन्हें बहुत अट्रैक्ट भी करती है, आकर्षित करती है, क्योंकि ये इंसान कितना रियल है ये पता लगता है. इंसान कितना सच्चा है, कितना रियल है, कितना जेन्युइन है, ये पता लगता है. क्यों? क्योंकि जैसा वो अंदर से है वैसा ही वो बाहर से है. और आपकी ये जो स्ट्रांगनेस है, इसमें बहुत कुछ नजर आता है कि करिस्मेटिक पर्सनालिटी है. आप ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं लोगों की बातों से, और बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको बहुत हिला नहीं सकती. लाइक आप अपने प्रिंसिपल्स में, अपने वैल्यूज में, अपने ही सिस्टम में बहुत स्ट्रांग और स्टेबल हैं. कोई भी सिचुएशन आपको इतनी जल्दी एंशियस नहीं कर सकती. तो आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत स्ट्रांग हैं. आपका स्टैंडर्ड भी हाई है, क्योंकि आपको ना आपको ये टाइम पास रिलेशनशिप्स या कैजुअल चीज़ें या ये कुछ दिन इधर रहना फिर कुछ दिन उधर, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी चीप लग सकती हैं. क्योंकि यहाँ पर मुझे आप काफ़ी क्लासी लग रहे हो, काफ़ी स्टैंडर्ड्स आपके होंगे, हाई स्टैंडर्ड्स होंगे, क्योंकि आप इंसान में एक रियल वैल्यू सिस्टम देखते हो. जैसे कि इंसान लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, हम्बल. तो ये सब वैल्यूज़ हैं जो कहीं ना कहीं आप तलाशोगे किसी में. ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा इंसान आपको चलेगा, जस्ट बिकॉज ये कूल है, जस्ट बिकॉज ये फनी है, जस्ट बिकॉज ये डांस अच्छा करते हैं, या फिर इनके पास समथिंग. तो इसीलिए नहीं, यू हैव द हाई स्टैंडर्ड्स जो कि प्रिंसिपल्स में हाई होने चाहिए, वैल्यू सिस्टम में हाई होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें आपके अंदर ना व्यूअर्स आपको बहुत क्लासी भी बनाती हैं, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इनका अट्रैक्शन आपसे कम नहीं होता. क्योंकि इन्हें अच्छे दिखने वाले या सक्सेसफुल लोग तो बहुत दिखते होंगे. आई एम नॉट सेइंग कि कोई दिखता नहीं है, इनके आसपास कोई है नहीं, देर आर पीपल, बट स्टिल ये जो क्वालिटीज हैं ये रेयर हैं. ओके, तो इसीलिए इनका आकर्षण आपसे कम नहीं होता, बढ़ जाता है डे बाय डे. अगर डिस्टेंस है आप लोगों के बीच तो इनका अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है. चलिए एक कार्ड और लेते हैं, ठीक है, इसी डेक से एक कार्ड और लेते हैं. Please guide us. Here we have the card. Okay, viewers. मुझे ऐसा लगता है viewers that weak but enemy. Okay. मुझे ऐसा लगता है viewers कि overthinking करना या एक ही चीज के पीछे लगे रहना, एक ही चीज़ के पीछे लगे रहने से मेरा मतलब है एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना, बार बार सोचते रहना. हमारी तरफ कहावत है उधेड़ना और बुनना, यानी कि कोई कपड़ा है अच्छा खासा ठीक, उसको उधेड़ देना, यानी कि उसमें जो धागा लगा हुआ है उसे उधेड़ देना और वापस उसको उसे ठीक करना, क्या कहते हैं उसको, सिल देना उसे, हाँ उसे सिल देना. तो वापस उधेड़ देना, वापस सिल देना, इसे कहते हैं कि अगर कुछ नहीं है, आप इतने फ्री हो गए हो, इतने ही आपके पास टाइम है कि आप अच्छी खासी चीजों को उधेड़ कर वापस ठीक कर रहे हो, फिर उधेड़ रहे हो, फिर ठीक कर रहे हो, बस इसी तरह एक ही चीज में लगे हुए हो. तो हमारी तरफ ऐसी कहावत है, ये इस चीज की तरफ संकेत करती है कि कोई इंसान किसी चीज में उलझ कर रह गया है, उस चीज से बाहर ही नहीं आ रहा, उसी के बारे में सोच रहा है. तो मुझे लगता है आपके पर्सन अभी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. सुबह हो चाहे शाम, इनका मन शांत नहीं रहता है, हमेशा इनके मन में विचार आते रहते हैं, अलग अलग विचार आते रहते हैं. और तभी यहाँ मंकी का कार्ड पहले ही आ गया. ओके, और
ऐसा लगता है दैट दे आर ट्राइंग टू डिग इन टू एवरी थिंग, लाइक पास्ट को भी डिग करना है, फ्यूचर को भी डिग करना है. ऑल दो यू कैन नॉट डू दैट, बट उसके बारे में भी सोचना है, फ्यूचर के बारे में भी, पास्ट के बारे में भी, और जो चीज़ें नहीं हुई हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में भी सोचना. अगर ऐसा हो जाता तो, अगर ऐसा हो गया तो इसका क्या मतलब है, फिर तो कभी एंड ही नहीं है ओवर थिंकिंग का. तो हर तरह से सोच कर देख रहे हैं, क्योंकि हर एंगल से शायद ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बट इट्स नॉट वर्किंग इन देयर फेवर. उनके हित में तो काम नहीं कर रही है ये ओवर थिंकिंग. ओके, तो मैंने ये बताया कि आज सुबह ये ऐसा सोच रहे थे, आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मन इनका अभी शांत नहीं है. ओके, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है, आपको थोड़ा बहुत गाइड करती है, थोड़ा बहुत आपको गाइड करती है उनकी एनर्जी के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए, कैसा वो फील कर रहे थे, कैसा उन्होंने महसूस किया है सुबह के वक्त. जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, क्योंकि जो मैसेज व्यूअर्स आपको जब मिलना होता है वो तभी मिलता है. फिर चाहे कितने भी समय बाद आप किसी भी वीडियो तक पहुंचे हो, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी रीडिंग के लिए कह रही हूँ. जनरली जो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं या जो यू नो टैरो रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, जब भी ऐसे मैसेजेस या गाइडेंस आप तक पहुंचती है, तो वो तभी पहुंचती है जब आपको उसकी जरूरत है. ओके, सो अगर ये रीडिंग थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, और बन जाएं हमारी फैमिली का हिस्सा. और सब्सक्राइब जरूर करिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कितना परसेंट आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग. चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय.